चलिए आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का टॉपिक लेकर आया हूं, और वो एक ऐसा टॉपिक जो पूरे विश्व के साथ साथ भारत भी उससे अछूता नहीं है। वो क्या है? वो ये है आपका विश्व वन्य जीव दिवस, जो हमारे जीव जंतु है उन्हें बचाने के लिए इस तरीके का जो प्रोग्राम लाया गया है ये पूरे विश्व में लाया गया है, ताकि हमारी जो विलुप्त होती जाति प्रजाति है वन्य जीव जंतुओं की, उन्हें बचाया जा सके। जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारी इकोलॉजी है, जो हमारा पर्यावरण है, उन सब समस्याओं से हमें सामना ना करना पड़े, ताकि उनका एक बैलेंस बना रहे, हर तरीके से उसे एक सिस्टम के अकॉर्डिंग डाला गया है। तो यही आज का हमारा प्रोग्राम। आइए देखते हैं क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, और हमारे आगामी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आपके सामने। आइए देखते हैं। देखिए, टॉपिक है हमारा विश्व वन्य जीव दिवस। पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 3 मार्च को, याद रखना, पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक तो क्वेश्चन यही बनता है एग्जाम में कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च। ठीक, विश्व वन्य जीव दिवस 2022 का जो विषय है, विषय कह लो या थीम कह लो या वाक्य कह लो, ठीक है, एक ही आंसर है सर। हिंदी में, अगर हिंदी में आप याद रखना चाहो तो हिंदी में, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रजातियों को दोबारा से प्राप्त करना। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए जो हमारी विलुप्त प्रजाति हो चुकी है, जो हमारे जीव जंतु विलुप्त हो चुके हैं, जो हमारी नस्लें विलुप्त हो चुकी है, उन्हें दोबारा से पुनर्जीवित करना, हिंदी में है। ठीक है, इंग्लिश में ही है ये थीम। रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ठीक है, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ये आपकी इंग्लिश में थीम है और वो आपकी हिंदी में है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों थीम बताइए। एग्जाम में कभी कभी यही पूछ लेता है कि विश्व वन्य जीव दिवस जो प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, उसकी जो 2022 की थीम है वो क्या है। ठीक है, तो आप याद रखें, ये वन्य जीव दिवस जो मनाने का निर्णय लिया गया था वो देखिएगा आप, 20 दिसंबर 2013 को यूएनजीए का फुल फॉर्म है यूएन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा, हिंदी में है इसका यूएनजीए की फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र महासभा, और इंग्लिश में है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, ने विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में 3 मार्च की तिथि घोषित की थी। मतलब यह है कि 20 दिसंबर 2013 को यूएनजीए ने यह घोषणा की थी कि प्रति वर्ष जो हमारे जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं या विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने की कगार पर है, उन्हें बचाने के लिए प्रति वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्लियर है? यह घोषणा किसने की थी? यूएनजीए ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। क्लियर है? इसके बाद दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो ये नोट में है, इस दिवस को प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाने का जो प्रस्ताव है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 16वीं बैठक में निर्णय लिया गया था। मतलब यह है कि ये 16वीं बैठक थी यूएनजीए की, जिसमें ये प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद यह विषय पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर, जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारी इकोलॉजी तंत्र है, संयुक्त राष्ट्र दशक पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक जो 2021 से 2030 तक मनाया जाएगा। मतलब यह है कि ये है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, जो हमारे विलुप्त हो चुके जीव जंतु
उनके लिए ये इस तरह का जो वो है वो 2021 से लेकर 2030 तक मनाया जाएगा, समय निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना है और प्रचार प्रसार करना है ताकि लोग बाग भी जो आम जनता है जनमानस है वो भी इसके प्रति जागरूक हो जाए। विश्व वन्यजीव दिवस मनाने का जो उद्देश्य है ये है, देखिए क्या है। नंबर एक, विश्व में पाई जाने वाली जंगली वनस्पतियों के बारे में लोगों को जागरूक करना, ठीक, ताकि लोगों को भी पता चले। दूसरा है, जीवों की अलग अलग नस्ल या प्रजातियों के बारे में जागरूकता, क्योंकि एक ही जीव की कई तरीके की नस्ल होती है, वो कई, किसी के कान बड़े होते हैं, किसी के नाक बड़ा होता है, किसी का मुंह बड़ा होता है, किसी के हाथ पैर बड़े होते हैं, किसी के नाखून अलग होते हैं, किसी के बॉडी अलग होती है, तो एक ही जीव जंतु की अलग अलग प्रजाति पाई जाती है, उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करना। तीसरा है, इसका और उद्देश्य लोगों को पृथ्वी की जैव विविधता, जैव विविधता मतलब बायोडायवर्सिटी, इकोलॉजी सिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए जागरूक करना है। क्लियर। तो ये थी आज की हमारी विश्व वन्य जीव दिवस के बारे में जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते थे आगामी परीक्षाओं में, आईएएस में, पीसीएस में और सी टेट, यू टेट, ग्रुप सी वगैरह, जिसमें भी कोई भी आगामी परीक्षा है, उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने आपको ये टॉपिक एक तिथि से लेकर और एक बेसिक नॉलेज से लेकर और एक डीपली नॉलेज तक मैंने आपको खींचा है, सांचे में ढाला है, ताकि हमारा कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित ना छूटे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी पूरी विनायस कैंपस टीम आप लोगों के लिए दिन और रात मिलकर मेहनत कर रही है ताकि आप लोगों को कम समय में हम सफलता दिला सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और भाई देखो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा सा प्यार आप हमें भी दीजिएगा ताकि हमारी पूरी टीम का भी एक मनोबल बढ़े, और आप ही लोग हैं हमारा मनोबल बढ़ाने वाले, और आप ही लोग हैं हमारी रीढ़, ताकि हम लोग आगे आपके लिए और अच्छी अच्छी तरीके से क्लास ला सके और अच्छी अच्छी तरीके से आपको समझा सके और अच्छी तरीके से आपको एग्जाम हम फाइट करा सके। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो आप कंटिन्यूटी के साथ हमारे से जुड़े रहिएगा और प्रतिदिन 3 क्लास आप कंटिन्यू सुनते रहिएगा और कंटिन्यू क्लास लेते रहिएगा। और हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासे अवेलेबल है, आप लोग चाहे तो हमारे यहाँ ऑफलाइन भी क्लास ले सकते हो, उसके लिए आपको 50% की छूट दी जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छी तरीके से मेहनत करें। ठीक, ओके, बाय।